हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। पिछली वीडियो में नर्वस सिस्टम ब्रेन का पार्ट वन मैंने शो किया था, जिसमें मैंने आपको ब्रेन के बोन्स के बारे में बताया था। आज मैं आपको न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगी। अब न्यूरॉन क्या है? न्यूरॉन इज द मेन सेल जिसकी वजह से क्या बनता है, हमारा ब्रेन। ब्रेन किससे बनता है? न्यूरॉन से। सो न्यूरॉन सेल जो होते हैं उसके अंदर सेंट्रोसोम नहीं होता, जिसकी वजह से सेल डिवीजन नहीं होती है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि न्यूरॉन का स्ट्रक्चर क्या है। देखिए, ये है न्यूरॉन, इसके अंदर होता है न्यूक्लियस, सेंट्रोसोम प्रेजेंट नहीं होता। ये न्यूरॉन के क्या निकले हुए यहां से, ये जो स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं इनको बोलते हैं डेंड्राइटस। देन ये जो इसकी ये बीच वाला पोर्शन है, ये इसको हम बोलते हैं सेल की बॉडी है। ये जो इसका एंड पार्ट है जहां से ये एक्सन निकलते हैं, इनको हम ये क्या बोलते हैं, एक्सन। एक्सन के आगे ये चेन टाइप बनी हुई है, इनको हम क्या बोलते हैं, श्वान सेल। क्या बोलते हैं? श्वान सेल। श्वान सेल के देखो ये है एक्सन, इनको ज्वाइन कर रहा है श्वान सेल, एक्सन श्वान सेल। जो बीच वाले हैं इनको क्या बोलते हैं, नोड ऑफ रेनवियर। क्या बोलते हैं? नोड ऑफ रेनवियर। और जो उसकी एंड है, टेल पॉइंट है, इसको हम बोलते हैं एक्सन टर्मिनल्स। क्या बोलते हैं? एक्सन टर्मिनल्स। मीन्स न्यूरॉन का जो एंड पार्ट है, टेल पार्ट, जिसको हम बोलते हैं एक्सन टर्मिनल्स। सो ये क्लियर है। अब मैं आपको थोड़ा इसके बारे में कुछ पॉइंट्स बताती हूं। देखिए, मैंने बताया था इन द न्यूरॉन में क्या होता है, जो ब्रेन होता है, ब्रेन किससे बना होता है, न्यूरॉन सेल से। न्यूरॉन सेल में सेंट्रोसोम नहीं होता, जिसकी वजह से सेल डिवीजन नहीं होती। लेकिन 90% जो पार्ट होता है वो न्यूरॉन से ही बना होता है। लेकिन जो 10% पार्ट है ब्रेन का, वो किससे बना होता है, न्यूरॉन ग्लियल सेल। और इसमें क्या होता है, सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है। ड्यू टू दिस सेल डिवीजन कैन अकर इन ब्रेन। इफ अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन टेक्स प्लेस, इट लीड्स टू कैंसर। अगर अनकंट्रोल हो जाए सेल्स की डिवीजन, तो उसको हम कैंसर का नाम देते हैं। लेंथ ऑफ न्यूरॉन सेल, न्यूरॉन सेल की लेंथ जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, साइनैप्स। सो ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। न्यूरॉन सेल की जो लेंथ होती है उसको हम क्या बोलते हैं, साइनैप्स। एंड पार्ट जो होता है न्यूरॉन सेल का, उसको हम एक्सन कहते हैं। अब जो देखो, कोई भी अगर आपका ब्रेन जो होता है, कोई भी चीज कैच करता है तो वो सिग्नल जाता है ब्रेन में ना। अब वो ब्रेन क्या करता है, मीन्स न्यूरॉन सेल होते हैं ब्रेन में, तो न्यूरॉन सेल जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो जो मैसेज है वो ब्रेन तक पहुंचाते हैं। तो जो न्यूरॉन है वो क्या करता है, फंक्शन करता है हर एक मैसेज को ब्रेन तक पहुंचाने का। अब देखिए, मैंने आपको बोला जो उसका पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, इसके न्यूरॉन का जो पार्ट है, जो न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर था उसमें जो एंड जो स्ट्रक्चर था उसको हम बोलते हैं एक्सन टर्मिनल। और जो स्टार्टिंग में जो उसका न्यूरॉन का जो एंड पार्ट है उसको हम बोलते हैं एक्सन। अब दो एक्सन के बीच में क्या होता है, सोडियम होता है। ये देखिए, ये है एक्सन, देन अगेन बीच वाला ये एक्सन है, एक्सन। अब एक्सन क्या करता है, दो एक्सन के बीच में सोडियम होता है प्रेजेंट, जो हेल्प करता है ब्रेन तक मैसेज पहुंचाने का, क्योंकि एक्सन और नर्व्स के बीच में स्पेस रहती है मैसेज, जिसकी वजह से वो उसे कनेक्ट नहीं हो पाता। लेकिन ब्रेन में ऐसा कौन सा साल्ट पाया जाता है जो मैसेज को सेंड करने में मदद करता है, तो ब्रेन में एक साल्ट पाया जाता है जिसको हम कहते हैं सोडियम। कौन सा साल्ट पाया जाता है, सोडियम। ये सोडियम साल्ट क्या करता है, ब्रेन को मैसेज पहुंचाने में मदद करता है। अब देखिए, कई बार आपको कहते हो अगर ज्यादा स्वेटिंग हो जाती है कई बार, तो क्या होता है, सोडियम पोटेशियम जो होता है हमारी बॉडी से वो निकल जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्वेट। तो उस समय जब ज्यादा निकल जाए तो हमारा दिमाग जो है वो काम नहीं करता, और कई बार तो हमें चक्कर भी आ जाते हैं। तो उसी वजह से हमें क्या होता है, जो सोडियम साल्ट जो एक है ये प्रेजेंट होता है हमारे ब्रेन में, जो हेल्प करता है मैसेज को कन्वे करने में बिटवीन टू एक्सन्स। सो ये था स्ट्रक्चर न्यूरॉन का। वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर कुछ समझ ना आया हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं एक बार फिर से इसको रिपीट करवा दूंगी। नेक्स्ट जो वीडियो मैं लेके आऊंगी वो होगा पार्ट 3 इसका, नर्वस सिस्टम का, ब्रेन का। तो उसमें हम ब्रेन के पार्ट्स को डिस्कस करेंगे और उसके हर पार्ट के फंक्शन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।